तो गाइस अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो लास्ट तक देखना है। जैसा कि गाइस आपने टाइटल पकड़ा होगा कि मैं यूट्यूब को छोड़ रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा रीजन होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो शायद आप ये गलत डिसीजन लेने से बच जाओगे और अपने गोल पर फोकस कर पाओगे, ना कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर इतने फेंकते रहते हैं कि इतना पैसा उतना पैसा है, उनके चक्कर में आकर आप एक गलत कदम उठा लेते हो जो मैंने उठाया है। और मैं जो दर्द को झेलता हूँ, 4 साल से मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, आज मैं किस हालत पर आ चुका हूँ सारा कुछ बताऊँगा गाइस, तो लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि गाइस आप लोग मनोज देखो, टेक चैंपियन सपोर्ट को, जुनू की टेक, इन लोगों को तो जानते हो, इनका काम है यूट्यूब पर कि यूट्यूब के बारे में बताना। जैसा कि आप लोग जानते हो, ये लोग दिखाते हैं करोड़ों की गाड़ी, बंगला, पैसा कि मैंने यूट्यूब से इतना कमा लिया, चाहे जो इंस्टाग्राम पर हर जगह इन्होंने यही बता रखा कि मैं यूट्यूब से करोड़ों कमाता हूँ। उससे क्या हो रहा है ना कि ये हम लोगों को फोर्स कर रहे हैं कहीं ना कहीं यूट्यूब पर आने के लिए। और इससे इनका क्या फायदा हो रहा है कि अगर आप यूट्यूब पर आओगे तो इनकी वीडियो देखोगे कि टाइटल कैसे लगाए, थंबनेल कैसे लगाए, इनका वो काम है। लेकिन चूतिया किसका बन रहा है? हम लोगों का। कैसे? तो गाइस जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि यूट्यूब पर अगर कोई पढ़ाई छोड़कर आ रहा है, जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर इतना यूट्यूब पर पैसा है तो मुझे पढ़ाई लिखाई करके क्या फ़ायदा, मैं भी अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, इससे बढ़िया मैं ब्लॉगिंग करने लगूँ। यानी मैंने ज़्यादातर देखा है पढ़ाई जो स्कूल के बच्चे हैं वो यूट्यूब पर आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बना रहे हैं। तो आप लोग अपना करियर सोच रहे हो कि यूट्यूब से मैं करियर बना लूंगा और अच्छी एक पोजीशन पर पहुंच जाऊंगा। तो गाइस मैं अपने 4 साल की अगर जर्नी आपके साथ शेयर करूं तो मैंने क्या क्या झेला। मैंने भी ये सोचा कि मेरा अच्छा मोनेटाइज होगा, मैं अच्छा खासा पैसा यहाँ से अर्न करूंगा। और आप लोगों को मेरी हेल्थ के बारे में पता ही है कि मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं जो बता नहीं रखा है कि मैं खाना वगैरह नहीं खा पाता हूँ। साथ में मेरी फोटो आ रही होगी, आप तो देख सकते हैं मैं कितना ज़्यादा कमज़ोर हूँ। इस वजह से मैं यूट्यूब पर आया और मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं यूट्यूब पर जाऊँगा यानी पैसा कमाने। हाँ मैं आया कि मैं कहीं काम नहीं कर सकता हूँ यार, मेरे पास एक मजबूरी थी। और बहुत तो लोगों की ये सोच है कि अगर किसी के सब्सक्राइबर कम है या व्यूज कम है, चाहे उस वीडियो में चाहे उसने बेचारे ने कितना भी अच्छा किया हो, कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन वो वीडियो वो लोग नहीं देखे, बल्कि एक वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज हो, चाहे उस वीडियो में कुछ भी ना हो, लेकिन वो वीडियो वो लोग देखेंगे। तो गाइस जैसा कि मेरी तो मजबूरी थी यूट्यूब पर आना, अब ऐसा लगता है गाइस कि मैंने बहुत बड़ी ज़िंदगी में गलती कर दी है यूट्यूब पर आकर, क्योंकि शायद अगर यूट्यूब पर मैं नहीं होता तो शायद इतनी टेंशन दिमाग में नहीं होती और इतना प्रेशर नहीं होता मेरे ऊपर, जैसा जो चल रहा था वो वैसा ही होता। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यार कुछ हार रहे हैं, कुछ ज़िंदगी हार रहे, छोटे छोटे बच्चों पर इतना प्रेशर है बहुत ज़्यादा यार, कि मैं मजबूरी है कि अब यूट्यूब पर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कंटेंट नहीं दूंगा, मैंने यार बहुत कुछ सोच रखा है कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ, उस तरह की वीडियो बनाऊँ, लेकिन वही यार हो रहा है कि मैं 1 रुपये यूट्यूब से कमा नहीं रहा हूँ अभी, और खर्च में 10 रुपये कर रहा हूँ। तो यार उससे मैं और कहीं ना कहीं अपने मम्मी पापा को परेशान कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि गाइस अगर मैं कोई वीडियो पर मेहनत कर रहा हूँ, अगर उस वीडियो में अपना 100% दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आप भी उस वीडियो को लास्ट तक देख लिया करो। अपने छोटे भाई को एक बार प्यार देके देखो, एक बार भरोसा करके देखो, तुम्हारा भाई भी एक दिन वो उस तरह की वीडियो लाएगी कि आप लोग कहोगे हाँ संदीप भाई ने कर दिखाया। लेकिन अभी मेरे पास उतना बजट नहीं है कि मैं उतनी हाई लेवल की वीडियो बना सकूँ, लेकिन बनाऊँगा ज़रूर। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना, तो जय हिंद।